नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 अक्टूबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सीईटी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट की हुई घोषणा। बिहार के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए सीईटी का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट की घोषणा हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सभी परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट bihar-ceet-bed-inmu.in पर जाकर छात्र अपने प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 22 सितंबर को आयोजित किया गया था। उम्मीदवारों को 5 नवंबर से पहले ऑनलाइन फीस देनी होगी। फाइनल सीट अलॉटमेंट सीट रिजल्ट की घोषणा 6 नवंबर तक जारी होगी। फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए आना होगा। 9 से 12 नवंबर और 23 से 25 नवंबर के बीच दस्तावेजों की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। गया जिले के रॉयल भूटान मॉन्टेसरी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गया में बौद्ध धर्म सीखने और अभ्यास करने के लिए रॉयल भूटान मठ है, जिसे इस क्षेत्र के सबसे शानदार मठों में से एक माना जाता है। भूटान के राजा को भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित यह मठ मिला है। यह मठ निश्चित रूप से अपनी शानदार वास्तुकला, शांति और बुद्ध की 7 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ आपको प्रभावित करेगा। इस मठ की प्रसिद्ध में जो चीज है वो भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती मिट्टी की नक्काशी है। इस शानदार नक्काशी को देखने के लिए दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां आते हैं। इस मठ में रहने वाले भूटानी भिक्षु शांति प्रार्थना का आयोजन करते हैं और बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं और उसी के अनुसार लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,15,000 के पास। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 783 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,14,946 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 35, अरवल में 4, औरंगाबाद में 3, बांका में 3, बेगूसराय में 22, भागलपुर में 21, भोजपुर में 1, बक्सर में 6, दरभंगा में 8, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 16, गोपालगंज में 9, जमुई में 5, जहानाबाद में 27, कैमूर में 4, कटिहार में 7, खगड़िया में 2, किशनगंज में 17, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 17, मुंगेर में 17, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 31, नवादा में 9, पटना में 265, पूर्णिया में 59, रोहतास में 6, सहरसा में 16, समस्तीपुर में 4, सारण में 19, शेखपुरा में 10, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 21, सिवान में 6, सुपौल में 9, वैशाली में 15, पश्चिम चंपारण में 13 मामले पाए गए हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार 2,05,385 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 1,076 लोगों की जान जा चुकी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई मायनों से अहम मानी जाती है। 1883 महान चिंतक तथा समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1909 में भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला था। 1990 में भारत के मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता विनोद मेहरा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंगेर मामले में डीएम और एसपी पर गिरी गाज। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच में मुंगेर मामले में एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आपको बता दें, मुंगेर में 2 दिन पहले मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपद्रव की घटना हुई थी। इस घटना के बाद शहर का माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया था। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुंगेर के एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले की जांच मगध प्रमंडल के कमिश्नर असंगबा चुबा आव करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट की मांग की गई थी, जिसकी विस्तृत जानकारी बिहार इलेक्शन डिपार्टमेंट ने साझा कर दी है। महाधिवक्ता रहे राम बालक महतो ने 90 वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के पूर्व महाधिवक्ता राम बालक महतो ने बीते दिन 90 साल की उम्र में मगध मेडिकल अस्पताल में दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राम बालक महतो 6 बार राज्य के महाधिवक्ता रह चुके हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल ने गहरी शोक संवेदना भी व्यक्त की है और श्रद्धांजलि दी है। नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि वे एक प्रसिद्ध कानूनविद और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। विधि के क्षेत्र में उन्होंने एक विशिष्ट पहचान बनाई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार को कानूनी जीत दिलाई थी। गुजर जाने की विधि से क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले नेताओं को भाजपा ने दिखाया बाहर का रास्ता। बिहार
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां जोर शोर से जारी है। ऐसे में कई नेता पार्टी से बागी भी रह चुके हैं। नेताओं की बगावत को देखते हुए भाजपा ने बीते दिन कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा ने 6 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन सभी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के निर्देश पर पार्टी विरोधी काम करने वाले लोगों में राकेश कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, रेणु कुमारी, चंद्रशेखर सिंह भवन समेत अन्य नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा का जन्म 8 मई 1928 को बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। रमेश चंद्र झा एक भारतीय कवि, उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। एक वरिष्ठ गांधीवादी लक्ष्मी नारायण झा के बेटे, जिन्हें बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को एक स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनीतिज्ञ बताया था। रमेश चंद्र झा की कविताएं, गजल और कहानियां देशभक्ति और मानवीय मूल्यों को जागृत करती है। मुंगेर में नए एसपी और डीएम की हुई तैनाती। मुंगेर में पिछले दिनों दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए बवाल की गाज मुंगेर की एसपी लिपि सिंह और डीएम पर गिरी, जिसके कारण बिहार निर्वाचन आयोग ने मौके की नजाकत को समझते हुए मुंगेर के पुलिस कप्तान लिपि सिंह और जिलाधिकारी राजेश मीना को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। इन्हें हटाने के साथ ही सरकार ने जिले में नए अफसरों को नियुक्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आईपीएस अफसर मानवजीत सिंह ढिल्लों को मुंगेर का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं आईएएस रचना पाटिल को मुंगेर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। शारदा सिन्हा ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गाया गीत। बिहार में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करने के लिए एक वीडियो शारदा सिन्हा का बिहार चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कोरोना काल के दौरान कोरोना संक्रमित होने का जिक्र किया और बताया कि अब वो कैसे ठीक होकर फिर से सभी लोगों के बीच में है। बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा ने इस दौरान वोटरों को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए एक गीत भी गाया, जिसके बोल थे, हर एक मत है कीमती वोट कीजिए। शारदा सिन्हा ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि मास्क पहनकर बूथ चलेंगे, वोट करेंगे, चुनाव आयोग की है तैयारी, अब है आपके मतदान की बारी। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा की बढ़ी परेशानी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भाजपा की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बीजेपी और ज्यादा ताकत झोंककर चुनाव में एनडीए को किसी भी तरह से नुकसान से बचाना चाहती है। बिहार में कुल 243 में से अभी 3 और 7 नवंबर को कुल 172 सीटों पर मतदान होने हैं। भाजपा दूसरे और तीसरे चरण में अपने 30 स्टार प्रचारकों से अधिक सभाएं कराने की तैयारी में है। घर घर जाकर प्रचार के लिए भी विशेष तौर पर रणनीति बनाई गई है। कुछ स्टार प्रचारकों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बीजेपी के चुनाव प्रबंधन पर कुछ असर पड़ा है, इससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए राजद ने मांगी पर्याप्त सुरक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल वर्तमान समय में जारी है, वहीं इस माहौल में एक के बाद एक जनसभा का आयोजन भी करवाया गया है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जान को लेकर भी आशंका जताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार उनकी पर्याप्त सुरक्षा के लिए मांग की गई है। इसके लिए राजद सांसद के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तत्काल सख्ती दिखाने की मांग की है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त भारत को संबोधित कर पत्र में लिखा है कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के मंच के पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है। नीतीश कुमार ने बेवजह कोई भी ऐलान करने से किया इनकार। दूसरे और तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक दलों के नेता लगातार जनसभाओं का संबोधन कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीते दिन 3 जनसभाओं का संबोधन किया, जिसकी शुरुआत सबसे पहले वाल्मीकि नगर के हरनाटांड में आयोजित हुई थी, जिसमें उन्होंने गन्ना के मूल्य बढ़ाने को लेकर किसानों की उठ रही मांग पर कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं, इस मुद्दे पर अगर हमने कुछ भी कहा तो यह नियमों के खिलाफ होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जितनी आबादी है उस हिसाब से रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या है, यह हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 10 नवंबर को एनडीए की विदाई बताया तय। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान करवाया जा चुका है, वहीं सभी पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए कमर कस चुकी है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए कई जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था, जहां उन्होंने साफ कहा है कि जिस हिसाब से जनसभाओं में उत्साह दिख रहा है, जिससे दबाव निश्चित है और 10 नवंबर को एनडीए की विदाई भी तय है।
अस्पताल से छूटते ही सीतामढ़ी पहुंचे सुशील मोदी। कोरोना को मात देने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। हालांकि अस्पताल से छूटते ही सुशील मोदी सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमार के समर्थन में रोड शो भी किया। रोड शो की शुरुआत उन्होंने गौशाला से की और चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे। सुशील मोदी एक पिकअप पर बैठकर लोगों का अभिवादन भी कर रहे थे। उनके पीछे भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी बाइक लेकर रोड शो में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव ने कहा, नौकरी का नाम लेते ही भड़क जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी बिहार में कुल मिलाकर वोटिंग परसेंटेज जारी कर दिया था, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने जीत का दावा करना भी शुरू कर दिया था। मतदान के दूसरे ही दिन आने वाले दो चरणों की तैयारी तेज हो गई है और राजद ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि अब नीतीश कुमार को रिटायर करने की जरूरत है। बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं के खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो वो भड़क जाते हैं, युवा शब्द आते ही लाठियां चलवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशाहीन, संकल्प विहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने विपक्ष को चुनाव के समय ही भगवान के याद आने की कही बात। पहले चरण के समापन के बाद अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है। इसी क्रम में लगातार जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे थे, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपनी जनसभा के दौरान राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद कांग्रेस सिर्फ परिवार का ख्याल रखती है, भाजपा सभी को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के दौरान किए गए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ चुनाव के समय ही भगवान की याद आती है। कुशवाहा ने भाजपा और राजद पर साधा निशाना। बीते दिन सिवान जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के दौरान भाजपा और राजद दोनों पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चुनाव आते दलों के घोषणा पत्र में रोजगार बांटने की होड़ मची है। उन्होंने लोगों से झूठे वादों का झांसा में नहीं आने की अपील की है। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्याशी सत्यदेव प्रसाद सिंह को वोट देने की भी अपील की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुछ दिन पहले तक 15 साल बनाम 15 साल चल रहा था, सब लोग परेशान थे कि क्या होगा। लोग निराश थे कि अभी 15 साल तक जिनका शासन रहा उन्होंने भी कुछ नहीं किया। धोनी की कप्तानी पर गौतम गंभीर ने दिया अपना बयान। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को लेकर भारतीय टीम के खिलाड़ी गौतम गंभीर ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर धोनी अगले साल भी टीम की कप्तानी करते हैं तो उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी। गौतम गंभीर ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी के बीच आपसी विश्वास का इतना अच्छा रिश्ता है कि वो इस साल खराब प्रदर्शन के बावजूद 2021 में टीम के कप्तान बने रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सीएसके को बनाने में मालिकों और कप्तान के बीच संबंधों का बड़ा हाथ है। उन्होंने को पूरी आजादी दी है और उन्हें मालिकों का पूरा सम्मान किया है। उन्होंने आगे कहा कि यदि वे उसे बरकरार रखते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। घरेलू रसोई गैस की बुकिंग नंबर में हुआ बदलाव। अगर आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं और हर महीने फोन कर सिलेंडर की बुकिंग करवाते हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गैस बुकिंग नंबर में बदलाव कर दिया गया है, जिससे लोगों को गैस बुकिंग के लिए नए नंबर की जानकारी नहीं है, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कंपनी ने सिलेंडर बुकिंग वाले नंबर में बदलाव की जानकारी अपने ग्राहकों को SMS के जरिए दे दी है, जिसके तहत आप 7718955555 पर कॉल करके बुकिंग की सारी जानकारी ले सकते हैं। पहले लोग 9911554411 पर कॉल करके गैस सिलेंडर बुक करवाते थे। आपको अपने आधार कार्ड के असली या नकली होने की जानकारी मिलेगी अब बस एक क्लिक पर। आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। बैंक से संबंधित कोई काम हो या दूसरा कोई भी सरकारी काम, सब में आधार कार्ड की ही मांग होती है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आधार कार्ड देना अनिवार्य होता है, लेकिन आपका आधार कार्ड नकली है या असली, इस बात की जानकारी आपको अब आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको resident.uidai.net.in या फिर आधार वेरिफिकेशन वेबसाइट पर क्लिक करें। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन पेज खुल जाएगा, जिसके बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आएगा। यहां आपको अपना 12 डिजिट का नंबर डालना होगा। इसके बाद डिस्प्ले पर दिखाई देने वाले कैप्चा कोड को एंटर करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अगर आपका आधार नंबर सही होता है तो एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको एक मैसेज मिलेगा। वहीं अगर आपका नंबर नकली होगा तो इनवैलिड आधार नंबर लिखकर आ जाएगा।
पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब आसानी से भर सकते हैं आम नागरिक। आपको भी अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है या आपने भर दिया है या इसमें किसी तरह की चूक हो गई है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसान के ऑनलाइन पोर्टल से अगर आपने यह फॉर्म भरा है तो आप खुद इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जरूरी तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉगिन करें। इसके बाद आपको फार्मर्स कॉर्नर पर जाना है। यहां आपको अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके समक्ष एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको आधार कोड के साथ कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो नया पेज आएगा उसमें आप अपने विवरण में तब्दीली कर पाएंगे। आप इसके तहत बैंक खाते से जुड़े विवरण, पता जैसे विवरण में सुधार कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,680 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,680 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,410 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। अक्षय कुमार की फिल्म के नाम में हुआ बदलाव। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म का नाम बदल दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अक्षय की नई फिल्म का नाम सिर्फ लक्ष्मी रखा गया है। माना जा रहा है कि लक्ष्मी के नाम पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, जिसके बाद कई लोग इसके नाम का बहिष्कार कर रहे थे। हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का बहुत प्यार मिला है, लेकिन फिल्म के नाम पर लोग आपत्ति जता रहे थे। अक्षय कुमार का फिल्म में ट्रांसजेंडर लुक काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस इस फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट और स्क्रीनिंग से पहले की प्रक्रिया को पूरा करने CBFC के ऑफिस पहुंचे थे। मेकर्स की सलाह के बाद ही फिल्म का नाम बदला गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर हेल्पलाइन नंबर और ऐप की मदद लेने की कही बात। बिहार में 3 चरणों में मतदान होने हैं, जिसके तहत पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन नंबर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए PWD ऐप तैयार किया है। इस ऐप से आप नए मतदाता के रूप में पंजीकरण, बूथ बदलने के लिए आवेदन, सुधार और ऑन कॉल सपोर्ट एक क्लिक पर पा सकते हैं। वहीं आयोग ने मतदाताओं के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें चुनाव संबंधी जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकी कुमार, ब्रजेश तिवारी, सैयद हुसैन, मोहम्मद सरफराज, उदय कुमार, प्रवेश प्रियदर्शी, दिनेश कुमार, रणधीर कुशवाहा, राकेश वर्मा, पिंटू कुमार शर्मा, रोहित प्रसाद, सुधांशु राज, कृष्णा कुमार पारित, देविका राज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्टियों की तरफ से किए गए घोषणा पत्र में बिहार के लिए कौन सी महत्वपूर्ण चीज है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।